टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। कल हुई गोकशी की घटना के बाद मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ब्रह्मपुरी के माधवपुरम चौकी क्षेत्र में हुई गोकशी की घटना के गोकश राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान राजा की पुलिस से मुठभेड़ हुई। इतना ही नहीं, उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस को गौतस्कर राजा पर गोली चलानी पड़ी। आरोपी राजा के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने पहले तो राजा का इलाज कराया, उसके बाद थाने ले गई। राजा के पास से ई रिक्शा और गोकशी के औजार बरामद हुए हैं। राजा पहले ही 10 मुकदमों में वांछित है और कल राजा ने माधवपुरम सेक्टर 3 के कमेटी हॉल में गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। आज राजा की पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एसपी सिटी पीयूष सिंह भी मौजूद थे। सुनिए एसपी सिटी पीयूष सिंह से मिली जानकारी। देखिए, ये थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र की घटना है। कल थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधवपुरम कॉलोनी में एक कम्युनिटी सेंटर के पीछे कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोकशी घटना करी दी गई थी। पुलिस द्वारा इसमें तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक अभियुक्त राजा उर्फ असलम, जो कि पूर्व में भी कई बार गोकशी घटनाओं में जेल जा चुका है, इसके विरुद्ध 10 से अधिक मुकदमे हैं। इसको देर रात गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ की इसने घटना स्वीकार की थी। सुबह पुलिस इसको जो है लेकर घटना से संबंधित वाहन और घटना में प्रयुक्त उपकरण चाकू छुरे आदि बरामद करने के लिए गई थी। इसी दौरान अभियुक्त द्वारा फैंटम पर तैनात सिपाही की पिस्टल छीन कर पुलिस पर फायर करते हुए भागा। पुलिस द्वारा इसकी घेराबंदी की गई, जिसमें दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर में अभियुक्त असलम के पैर में गोली लगी है। सर, कोई इस पे इनाम नहीं, इस पे इनाम इस समय नहीं था, लेकिन ये पहले से थाना लिसाड़ी गेट के गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा था और इसके खिलाफ 10 से अधिक अभियोग अब तक प्रकाश में आए हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।